पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम आपको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। इसी के माध्यम से हम अटॉर्नी जनरल के साथ इसका कंपैरिजन भी करते जाएंगे। ऑलमोस्ट चीज़ें आपको सिमिलर फैशन में नज़र आएंगी, लेकिन जो चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं अटॉर्नी जनरल से वो मैं आपको नोट कराऊंगा। एडवोकेट जनरल को हम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ के माध्यम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्यों क्यों चीज़ें किस सेंस से डाली जाती हैं वो समझ में आएगा। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के एडवोकेट जनरल का नाम है अतुल नंदा। अतुल नंदा के नाम से वो जाने जाते हैं। कहाँ पर ये कंसेप्ट मिलता है, किस कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, उसको समझते हैं। टॉपिक है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हम पहले करा चुके थे यूनियन एग्जीक्यूटिव के सभी टॉपिक्स के साथ। स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये एक टॉपिक पेंडिंग था, इसे करना ज़रूरी था। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वाया देखें तो जैसे नेशनल लेवल पर, यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ये तीनों ही एक चीज़ का नाम लिया मैंने, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मिलती है। ठीक इसी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए भी दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को अगर हम देखें तो स्टेट्स के लिए भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही वहाँ पर प्रपोज की गई है। इसमें एक अंतर रखा गया है, वो बहुत ही अहम है और बुनियादी अंतर भी है। वो ये है कि जैसे यूनियन लेवल पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, जैसे कि प्रेसिडेंट, और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड उन्हें प्रेसिडेंट का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उसके वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट से वो चुन करके आते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्टेट लेवल पर तो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो गवर्नर है, और गवर्नर किसी भी मैनर में इलेक्टेड नहीं है। गवर्नर अपॉइंटेड अथॉरिटी है जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही होते हैं। ये पर्पज़ इसलिए रखा गया, सेंटर से स्टेट का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस मायने में डिफरेंट इसलिए किया गया क्योंकि हमारी कंट्री के पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ फेडरल कंसेप्ट फॉलो होता है, जिसकी वजह से स्टेट्स एग्जिस्टेंस में हैं। यानी कि सेंटर के साथ साथ स्टेट भी पावर शेयर करता है, और स्टेट्स की अपनी एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है, शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट के माध्यम से गिवन एंट्रीज के द्वारा, और अलग से सभी के सभी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि पार्ट 6 के अंदर स्टेट का जिक्र आता है, और आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 167 तक आप स्टेट एग्जीक्यूटिव या स्टेट से जुड़े हुए सारे माध्यम मामलों को आप डील करते हैं। आई बात समझ में? तो एक तरफ हमने एक फेडरल स्कीम प्रोवाइड की, दूसरी तरफ हमने उस फेडरल स्कीम को थोड़ा सा टेम्पर किया यूनिटरी बायस की तरफ, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स में देते हुए भी कंट्री का यूनिफाइड कैरेक्टर इग्नोर नहीं किया गया। तो कंट्री में एक यूनिटी मेंटेन रहे, हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स के तौर पर इंडिया जाना जाता है, इस कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ इंडिया से अलग वे मैनर में अपॉइंट किया जाता है। हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ द इंडिया इलेक्टेड है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ द गवर्नर जो है, हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट टू मेंटेन द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, टू मेक द स्टेट्स यूनिफाइड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यूनियन ऑफ इंडिया के कंसेप्ट को इस तरह से प्रमोट किया गया है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्लियर हुई कहानी? लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें तो पार्ट 6 के अंदर आपको स्टेट्स का जिक्र मिलता है आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। वहीं पर आर्टिकल 165 आपको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। मैंने लिखा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यहाँ पर मैं गलत हूँ। मैं क्यों गलत हूँ? यहाँ पर ऑफ नहीं है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है। आप कहेंगे क्या अंतर पड़ता है अगर मैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट लिखता हूँ या मैं एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट लिखता हूँ, तो इतनी सी चीज़ से अंतर क्या पड़ जाता है? इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, और वो अंतर मैं आपको डाल करके दिखाऊंगा। देखिए क्या अंतर पड़ता है। देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसने एक एक शब्द का चुनाव बहुत ही ध्यान से किया है, कंट्री के यूनिक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, कंट्री की डाइवर्स कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने एक एक चीज़ का चुनाव किया, शब्दावली का चुनाव उसी आधार पर हुआ। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पार्ट्स अरेंज किए गए। सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट है तो उसका एक पर्पज़ है, इसलिए वो वहाँ पर रखा गया।
मैंने आपको बताया हर पार्ट के अंदर किस तरह से आर्टिकल्स अरेंज हुए हैं, मैंने आपको बताया कि हर आर्टिकल में कैसे शुरू से एंड तक जो शब्द हैं उनका अरेंजमेंट हुआ है। तो हर चीज़ एक सीक्वेंस में है, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम को दर्शाती है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का विजन, कॉन्स्टिट्यूशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स एक्सप्रेस होते हैं। पूरे के पूरे पार्ट्स का ऑर्गेनाइजेशंस, उनका सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स उसी दिशा में जाते हैं जो आपको संदेश देते हैं कि संविधान क्या मांगता है। इसी तरह से फॉर और ऑफ नाम के शब्द बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल किए गए हैं, जहाँ पर एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शब्द इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर एक तरफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का शब्द इस्तेमाल हुआ है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अटॉर्नी जनरल फॉर द इंडिया है और एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स हैं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स नहीं है, यहाँ पर शब्द फॉर आता है। मार्कर ये भी ठीक नहीं है, दूसरा मार्कर मिल जाएगा। ये क्यों होता है ध्यान से देखिए। देखिए कई बार इस चीज़ को लेकर के डिबेट डिस्कशंस हुई, हाई कोर्ट के पास मामले भी पहुँचे, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला लंबित भी है। मामला ये पहुँचा कि क्या अटॉर्नी जनरल का दफ्तर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर लेकर के आना चाहिए, क्या वो एक पब्लिक ऑफिस है, और अगर वो एक पब्लिक ऑफिस है तो क्या उसे आरटीआई के घेरे में लाना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के डिबेट होती रही, उसी दौरान ऑफ और फॉर पर चर्चा हुई। आई बात समझ में? देखिए एक तरह से देखें तो ये है तो एक तरह की प्री पोजीशंस। अगर हम ऑफ की बात करें इट इज़ ऑल्सो प्री पोजीशन, अगर हम फॉर की बात करें ये भी एक प्री पोजीशन है, अगर हम टू की बात करें तो ये भी प्री पोजीशन है, जिसे आप लोगों को बचपन से सिखाया जाता है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, बट दैट वर्ड इज़ नॉट करेक्ट। इन फैक्ट द प्रेपोजिशन डिवीन बाय द प्रेप, इट इज़ अ प्री पोजिशन कि प्री है, यानी कि एडवोकेट जनरल इंडिया के पहले है ना, तो ऑफ है या फोर है या टू है, तो इट इज़ द पोजिशन इज़ इंडिया या पोजिशन कैन बी समथिंग एल्स, इट इज़ प्री टू दैट, सो इट इज़ द प्री पोजिशन। ओके, जैसे अपन प्रेपोजिशन कहते थे, तो इसके यूजेज को हमें उसी सेंस में वहाँ से सीखना है। अब मेन आस्पेक्ट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अब प्रीपोजिशन के मेथडोलॉजी से जाऊँ तो ऑफ का मतलब होता है कि ऑफ आपको एक रिलेशनशिप सिखलाता है, कि ऑफ बताता है इसका क्या रिलेशन है किसी चीज़ से। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, रिलेशन बताया भारत के, आई बात समझ में? दूसरा, भारत के महालेखा परीक्षक या फिर उसका बेटा उसकी बेटी, आपका रिलेशन बता लगा ऑफ से, पर फॉर से, फॉर शब्द से आपकी यूटिलिटी पता लगती है, आपका यूजेज किसी चीज़ के लिए, कि आपका पर्पस क्या है, आपकी यूटिलिटी क्या है, आपका यूजेज क्या है। जैसे भारत के लिए महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, तो भारत के लिए ये अटॉर्नी जनरल फॉर द इंडिया है, ये एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है, ये भारत के लिए है, ये भारत के राज्यों के लिए है, भारत का या भारतीय राज्यों का नहीं है, के लिए है। आई बात समझ में? तो के लिए और का से अंतर पता लग गया। फॉर शब्द से थ्रू जाते हैं तो ये अटॉर्नी जनरल इंडिया के लिए है, प्रीपोजिशन ये बताता है, तो इसकी रीजनेबलनेस बताता है, अटॉर्नी जनरल की यूटिलिटी बताता है, अटॉर्नी जनरल के यूजेज बताता है। सिमिलरली एडवोकेट के मामले में, राज्यों के मामले में एडवोकेट जनरल की यूजेज पता लगती है कि भारत, तो इससे इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आती है। ध्यान से देखें, ये किसी सरकार के लिए नहीं है, ये भारत के लिए है, तो इन्हें अपना दायित्व भारत के प्रति निभाना है। आई बात समझ में? इसी तरह से ये किसी राज्य की सरकार के लिए नहीं, ये राज्य के लिए हैं। यकीनन ही एक ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, सेंटर में भी और स्टेट में भी, और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर ही हैं, जिन्हें सेंटर में प्रेसिडेंट करता है और स्टेट में गवर्नर करते हैं। और नेचुरली एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर तो नॉर्मल टेन्योर पूरा कर रही है तो 5 बरस के लिए सेंटर में नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट में स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 5-5 बरस के लिए देश के लिए या राज्यों के लिए ही हैं, तो वो भी 5-5 बरस के लिए हैं। तो इस तरह से उनका एक टेम्परेरी करेक्टर है, वो 5-5 ईयर के लिए हैं, वो पेरिनियल नहीं है, सारे रिसोर्सेज उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए हैं, तो वो 5 बरस के लिए इस देश के लिए हैं, तो संसाधन देश के हैं, जो देश के हितों में 5 बरस के लिए अब वो इस्तेमाल करेंगे। संसाधन उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए नहीं है,
जो अपने हितों में परमानेंटली यूज़ करते रह जाएंगे। तो के लिए होने का अर्थ यही होता है कि वो उसका एक टेम्परेरी एस्पेक्ट दिखाते हैं और वो संसाधन उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से उसी सरकार के द्वारा अपने न्यायिक मामलों को देखने रखने के लिए एक अफसर की नियुक्ति की जाती है, वो भी फिर देश के लिए ही है कि 5 बरस के लिए जो देश की सरकार है उस देश की सरकार के लिए 5 बरस के लिए एक लीगल ऑफिसर आपको प्रोवाइड किया गया है। 5 बरस मैंने कहा है, सरकार इसे जब मर्जी चाहे बदल सकती है। आई बात समझ में? तो इसकी ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री और टुवर्ड्स द स्टेट्स, इसका बॉन्डिंग टुवर्ड्स द कंट्री एंड टुवर्ड्स द स्टेट, इस फॉर वर्ड से झलकता है कि ये किस तरह से बॉन्ड होता है उस कंट्री के साथ और उस स्टेट के साथ। यानी कि इसे इस बात का ध्यान रखना है कि ये अगर अटॉर्नी जनरल है तो ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है कंट्री का, और अगर ये एडवोकेट जनरल है तो ये चीफ लीगल ऑफिसर है उस स्टेट का। तो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर और चीफ लीगल ऑफिसर होने के नाते जिम्मेदारियां क्या आती हैं कि न्याय के पथ पर चलते हुए आपको तर्कसंगत कार्य करने हैं। न्याय के पथ पर चलते हुए आपको तर्कसंगत और धर्मसंगत कार्य करने हैं। सरकार को विपरीत दिशा, गलत दिशा की ओर लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि सरकार देश के लिए है और आप भी देशी के लिए हैं। चाहे आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं उस समय की, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप अपॉइंट पब्लिक एक्सचेकर के पैसों पर हुए हैं और अपॉइंट पब्लिक एक्सचेकर के लिए किए गए हैं, तो देश के लिए किए गए हैं। अगर इस बात को इस तरह से देखें तो अगर ये इतना ही नॉर्मल ऑफिसर होता तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सेंटर में और गवर्नर के द्वारा स्टेट्स में नहीं कराई जाती। इसकी नियुक्ति ही उस ऑफिसर के द्वारा इसलिए की गई है क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो नेशन को, कंट्री को सिंबलाइज करते हैं। इसी तरह से स्टेट्स लेवल पर अगर गवर्नर को करें तो गवर्नर स्टेट को सिंबलाइज करता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड मान के प्रेसिडेंट के साथ जोड़ दूँ तो सभी गवर्नर्स मिल करके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपस में जोड़ करके, जिन सब को फाइनली फिर प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो गवर्नर भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड हैं। तो वही स्टेट के लिए जो एक गवर्नमेंट है वो न्यायपूर्ण ढंग से चले, उसके लिए जितने भी कामकाज हैं उसी के लिए उस गवर्नर के द्वारा एक अवसर भी दिया जा रहा है। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज़ द गवर्नर के द्वारा एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जन्म दिया जा रहा है, दैट इज़ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका जिक्र आर्टिकल 165 में आता है। लाइकवाइज द अटॉर्नी जनरल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि उसका जिक्र आर्टिकल 76 में आता है। इन आर्टिकल्स के अलावा इनका जिक्र कहीं और नहीं आता, इन्हीं आर्टिकल्स के मामले में इनके बारे में बताया गया है, एक एक आर्टिकल इनके प्रति डेडिकेटेड है। तो जब इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के बारे आ रहा है तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होने के नाते ये एक जस्टिशियबल ऑफिस है, ये एक जस्टिशियबल ऑफिस है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके माध्यम से इनके ऊपर कोई दायित्व आते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ आती हैं, जिन दायित्व और जिम्मेदारियों की पूर्ति अगर इस संस्था को, इस ऑफिस को ये ग्रहण करते हैं तो इन्हें करनी ही है। लेकिन ये ऑफ हैं, फॉर नहीं है, इसी की वजह से इन्हें कोई खास शपथ ग्रहण नहीं करनी पड़ती जब ये अपने दफ्तर में जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल नेशनल लेवल पर और एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पर कोई ओथ नहीं लेते अपने ऑफिस को अज्यूम करने से पहले। आई बात समझ में? नहीं लेते, बिकॉज देयर इज़ वर्ड दैट इज़ फॉर। पर जब आप बात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की करेंगे, जब आप बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की करेंगे या किसी भी इस तरह की संस्था की करेंगे तो शब्द ऑफ है, वहाँ पर शपथ ग्रहण करनी है, वहाँ पर आपको ओथ लेना है। आई बात समझ में? क्योंकि आपको उस ओथ के तहत फिर कार्य करना है, उस ओथ को बियर करना है अपने ऊपर, और उस ओथ से डिबेट नहीं करना है किसी भी ग्राउंड पर। लेकिन यहाँ पर अब आपको एक सिस्टम समझना है। यहाँ पर जब आप इस अटॉर्नी जनरल नेशनल लेवल पर और एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पर बात करते हैं, इन्हें ओथ के द्वारा बाउंड आपने इसलिए नहीं किया है, ध्यान से समझिए, क्योंकि आप इनसे सेवाएं एक राज्य के लिए, एक देश के लिए इस संदर्भ में ले रहे हैं कि इन्हें सरकार का सहायक बन करके राज्य और देश सही ढंग से संवैधानिक पालना करते हुए चले, लॉ के अकॉर्डिंग चले, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होता रहे, इस मुताबिक चले, इस बात को सुनिश्चित करना है केवल।
लेकिन ध्यान रहे, मैंने बार बार कहा इन्हें राज्य के सहायक और देश के सहायक के तौर पर ही आगे बढ़ना है, और राज्य के सहायक और देश के सहायक के तौर पर जब इन्हें आगे बढ़ना है तो इस बात को जहाँ पर ध्यान से देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यकीनन ही इन्हें जन्म दिया है, बट ये सिम्बॉलिक ज़्यादा हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के तौर पर, प्रैक्टिकल कम है। उसका रीज़न कि वहीं उसी समय उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें किसी भी तरह का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सर्विस कंडीशंस, सैलरीज, अलाउंसेस की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है। एक तरफ इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया, संविधान ने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जन्म दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह इन्हें किसी तरह की सैलरी और श्योर नहीं की, इनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स्ड नहीं रहेंगी, इनका जो टर्म और टेन्योर है वो किसी तरह से भी फिक्स नहीं है, इन्हें प्रेसिडेंट के प्लेजर पे छोड़ दिया अटॉर्नी जनरल को और गवर्नर के प्लेजर पे छोड़ दिया एडवोकेट जनरल को, तो ये उनके प्लेजर पर हैं, यानी कि एक तरह से मिनिस्ट्री के प्लेजर पर हैं, मिनिस्ट्री ही इनका नेम रेकमेंड करती है तो ये अपॉइंट होते हैं। आई बात समझ में? ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट ये है कि ये एटलीस्ट इस स्तर की संस्था तो है कि इसे हम हाईएस्ट लीगल ऑफिसर नेशनल और चीफ लीगल ऑफिसर स्टेट लेवल पर मान रहे हैं, इसलिए इसे दर्जा संवैधानिक प्राप्त होना चाहिए। क्या? ताकि ये संविधान के साथ कंप्लाई करके चले, ताकि ये इस तरह के एडवाइजेस, सजेशंस और इस तरह की लीगल रेमेडीज़ और लीगल प्रैक्टिस करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंग हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स और आइडियाज़ और व्यूज़ को अपहोल्ड करती हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करती हों, और ये ऐसी कोई भी सलाह सरकारों को ना दें जो सलाहें कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ करती हों। जैसा कि आप देखें, कुछ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, मैंने आपको बताया था कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में आपको अटॉर्नी जनरल की सलाह अप्रूवल पहले लेनी होती है। अगर कोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो रही है तो अटॉर्नी जनरल की सजेशंस आप लेंगे, मैंने आपको ये पढ़ाया था, और वहाँ पर सजेशन देते हुए आप देखेंगे बहुत सी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अटॉर्नी जनरल अग्री नहीं करते, कंसेंट नहीं देते। उसके लिए वो रीजनिंग देते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डेमोक्रेटिकली अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इतना का एवेन्यू प्रोवाइड किया गया है कि ये पर्सन ने ये जो कंडक्ट किया है ये कंटेम्प्ट का केस अभी नहीं बनता। मतलब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने अपना रोल, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैंडेट उसको दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, विजन्स, ऑब्जेक्टिव को अपहोल्ड करना है, उसने इसे अपहोल्ड किया, तो एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा से भी चल रहा है, प्योरली इस मर्यादा से नहीं चल रहा है कि हालिया मौजूदा सरकार ब्रूट मैनर में उससे क्या चाह रही है। तो उसे हालिया मौजूदा सरकार को, क्योंकि जनता का मैंडेट है तो सुप्रीम तो जनता का मैंडेट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिटिश सिस्टम की तरह अटॉर्नी जनरल का, एडवोकेट जनरल का टेन्योर जो है वो फिक्स कर दिया एक बार अपॉइंटमेंट के बाद, ऐसा नहीं किया हमने। हमने उसे डिपेंड रखा प्रेसिडेंट के प्लेजर पर और गवर्नर के प्लेजर पर स्टेट लेवल पे। वो इसलिए किया क्योंकि जनता की मैंडेट हमारी कंट्री में सुप्रीम है, और जब चाहे कि जनता के द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार अटॉर्नी जनरल को नेशनल लेवल पे, एडवोकेट जनरल को स्टेट लेवल पे हटा देगी अगर वो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम करेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल एक रियलिटी चेक की तरह खड़े सरकार के सामने कि सरकार की इच्छाएं सरकार की निजी इच्छाएं ना हो, सरकार की इच्छाएं संवैधानिक मर्यादा के साथ जानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के द्वारा दी गई सलाहें इस तरह से मायने रखती हैं, और जो लोग अटॉर्नी जनरल के और एडवोकेट जनरल के दफ्तर को राइट टू इन्फॉर्मेशन के घेरे में लाना चाहते हैं, उनका लाने का उद्देश्य भी यही है कि सरकार को दी गई अपनी सलाहों में, एडवाइजेज में, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर सरकार के सुझावों से असहमति जताई है, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी तो ये ज़्यादा क्लियर होगा कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अपना फंक्शन किस वे में प्ले कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए मैंडेट के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं, या वो मेयरली एक गवर्नमेंट के सर्वेंट के तौर पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट से सैलरी पाना ही इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि वो एक सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट है। सैलरी गवर्नमेंट से इसलिए आ रही है, गवर्नमेंट कस्टडियन है पब्लिक एक्सचेकर की, और वो पब्लिक एक्सचेकर सुप्रीम है किसी भी मायने में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं, उनके अधिकार और हर एस्पेक्ट में। और इसी तरह से उस पब्लिक एक्सचेकर के राइट्स कभी भी वायलेट ना हो, किसी भी तरह से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट उनके साथ ना कर दिया जाए सरकार के द्वारा, इसलिए उसी संविधान ने बहुत सी संस्थाएँ भी दी हैं जो पब्लिक एक्सचेकर, जो पब्लिक है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और उसी के तहत कुछ संस्थाएँ जैसे कैग का मैंने जिक्र किया, तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी उसी तरह की संस्थाएं हैं जो एटलीस्ट ये प्रयास करती रहें कि सरकारों के ऊपर उनका जोर तो ना चले, लेकिन सरकारों के सामने वो एक संविधान के द्वारा नियुक्त
संस्था के तौर पर भी खड़े रहें कि संविधान सरकारें भी संवैधानिक तौर पर ही चलने के लिए मजबूर हों। अगर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप मॉरली एथिकली किसी को कंपेल तो कर सकते हैं कि वो ऐसा करे। और लोकतंत्र में सबसे ब्यूटीफुल कंपल्शन मॉरल और एथिकल कंपल्शन है, क्योंकि फिर देश के सामने चीज़ आ जाती है। तो बहुत से लोग आरटीआई के घेरे में इसलिए भी जाना चाहते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल के द्वारा विपरीत सलाहें दी जाती हैं सरकार की इच्छा के विरुद्ध सरकार को, वो सील बंद लिफाफे में वहीं तक रह जाती हैं, जनता तक नहीं आ पाती। वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए सारा कुछ। इसलिए अगर इसका ऑफिस आरटीआई के घेरे में ला दिया जाएगा, फिर हर तरह का वार्तालाप जो है, जो कि सेंसिटिव या उस तरह की सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो लीक होगी नहीं, अदरवाइज बाकी मैनर में वो चीज़ जनता के सामने आएगी। आई बात समझ में? लेकिन क्योंकि ये इस बात पर संशय है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का ऑफिस प्योर पब्लिक ऑफिस है कि नहीं है, इसलिए वो अभी तक घेरे में आ नहीं पा रहा। आई बात समझ में? इस चीज़ों को समझिए। तो कुल मिलाकर के एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का दफ्तर इसी बात को प्रतिबिंबित करता है कि जहाँ एक तरफ ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर हैं, वहीं दूसरी तरफ यानी कि सरकार के प्लेजर पर हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी प्रमाणित है कि ये केंद्र में प्रेसिडेंट के द्वारा और राज्यों में गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड भी हैं, जो दोनों अपने आप में गवर्नर और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ ही हैं। दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्टेड है कि जहाँ दूसरी तरफ ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर हैं सेंटर में और स्टेट के प्लेजर पर हैं स्टेट्स में, वहीं दूसरी तरफ ये अपने आप में खुद दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। चाहे हम अटॉर्नी जनरल की बात करें आर्टिकल 76, चाहे एडवोकेट जनरल की बात करें आर्टिकल 165। और तीसरी तरफ जहाँ पर इन्हें बहुत से कामकाज के लिए अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट रेफरेंस देंगे, एडवाइस करेंगे, और एडवोकेट जनरल को गवर्नर रेफरेंस देंगे, वहीं पर कुछ मैंडेट्स एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों पे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दी हुई हैं। तो कुछ चीज़ें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इन्हें करने को कही हुई हैं। इसकी वजह से भी एक तरह के सरकार के अधिकारी होने के साथ साथ संविधान के द्वारा नियुक्त अधिकारी भी बन गए हैं। तो संवैधानिक मर्यादाओं की पालना भी इन्हें करानी है। फॉर शब्द हमें इसी ओर प्रतिबिंबित करता है कि इन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हुए, यकीनन ही ये एक तरह का अग्रीमेंट है सेंटर और अटॉर्नी जनरल के बीच में, स्टेट और एडवोकेट जनरल के बीच में, जिनके तहत इनकी वर्किंग कंडीशंस तय होती हैं, इनका रेमुनरेशन, इनकी सैलरी डिसाइड होती हैं, और ये एक प्रोफेशनल की तरह लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल लीगल प्रोफेशनल से कहीं आगे हैं। ये संविधान में दर्ज हैं, इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये संविधान के द्वारा स्पेशली मेंशन है कि ये व्यापार मुनाफे इनसे आगे बढ़ करके ये किसी और चीज़ के लिए भी हैं, वो ये हैं कि ये देश के लिए हैं, यानी कि दे आर एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो जितना ये अपने पेशे की तरफ हैं, जितना ये अपनी कंपनी अपने मुनाफे की तरफ समर्पित होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, इन्हें समर्पण देश के प्रति भी रखना होगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर द इंडिया हैं। इसी वर्ड से सारी बात यहाँ पर सिद्ध और स्थापित हो जाती है कि इनका दर्जा क्या है, इनका ऑफिस कितनी सुप्रीम पोजीशन रखता है, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, क्योंकि दोनों सरकारों के पक्ष जहाँ पर सेंटर में अटॉर्नी जनरल रखते हैं और नेशनल लेवल पर अटॉर्नी जनरल रखते हैं और राज्यों में एडवोकेट जनरल रखते हैं, तो सरकारों का पक्ष न्यायालय में रखना और लीगल मैटर में सरकार को सलाहें देना, और सेंटर लेवल पर अटॉर्नी जनरल तो यहाँ तक होते हैं कि जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत, तो अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को उस समय में। इसी तरह से ये बहुत बड़ा दर्जा है। आई बात समझ में? देश की दिशा और दशा निर्धारित होती है न्याय के क्षेत्र में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के कंडक्ट के बेसिस पर, उनकी एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज़ के आधार पर। इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में धर्म का एक दूसरा नाम न्याय है, जस्टिस। आई बात समझ में? तो हम धर्म को रिलीजन की टिपिकल वर्ड में नहीं देखते, धर्म अपने आप में कंडक्ट है, धर्म राइटियस वे ऑफ लाइफ है, धर्म एक मैनर है जो जस्टिसेबल होना चाहिए, यानी कि वो न्याय संगत होना चाहिए, यही धर्म है। तो जो राजा धर्म की पालना करता था वो राइटियस था, जो नहीं पालन करता था वो क्रूर था, अत्याचारी था, अति था। ओके, एक प्रेपोजिशन का अर्थ समझ में आया कि एक प्रीपोजिशन क्या कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो अब मैं इस गलत शब्द को मिटा दूं, सही शब्द लिख दूं, थोड़ा सा स्टाइल मारा ना मैंने आज, अच्छा लगा ना, ऑफ लिख के फिर बाद में फॉर किया, हो सकता है पहले ही फॉर लिख देता तो उतना ध्यान आकर्षित ना कर पाता। थोड़ा बहुत सीख लेते हैं आर्टिकल वगैरह पढ़ के, हमारा तो कुछ नहीं है, कभी द प्रिंट में, कभी द वायर में, या कभी किसी और अच्छे चैनल में आर्टिकल आ जाते हैं, वहाँ से हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। इसमें हमारा खुद का कोई